बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 6 पढ़ाया जा रहा है और अध्याय 6 का शीर्षक है वैसे कंपनी सेलिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ये एनसीईआरटी सिलेबस में इस अध्याय का नाम नहीं दिया गया हो कंपनी सेलिंग, और इसके जगह पर नाम दे दिया गया हो बंगाल सेली या बंगाली सेली, इस तरह का नाम दे दिया गया हो। क्योंकि ये सेली का वैसे भारतीय कला में महत्व कम है, और भारतीय कला में महत्व कम होने के कारण हो सकता है इसे क्या है बंगाल शैली में मिलाकर ही पढ़ा जाता है, बंगाल शैली में मिलाकर ही पढ़ा जाता है। लेकिन बंगाल शैली के अध्ययन करने से पूर्व इसके बारे में जानकारी लेना अनिवार्य होता है, तभी बंगाल शैली को समझ पाते हैं। क्योंकि मैं अब आपको बता देता हूँ इसमें कि इसका क्या अर्थ है या कौन सी शैली किस प्रकार इसका विकास हुआ। मैंने आपको बताया कि हमारी जो शैली है या हमारी जो कला है, भारतीय कला है या यूँ कह सकते हैं चित्रकला है या कोई सी भी कला है, वो कला क्या है, समय काल और परिस्थिति या परिवर्तनों के ऊपर आधारित होती है, उनके आधार पर ही परिवर्तन लेती रहती है, बदलाव आता है और बदलाव के आधार पर ही कला विकसित होती है या नवीन कला रूप को धारण करती है। जैसे अपन ने सबसे पहले पढ़ा था पांडुलिपि चित्रण परंपरा, तो पांडुलिपि चित्रण परंपरा में अपन ने पढ़ा लघु चित्रण को, और लघु चित्रों का अपन ने धरातल पढ़ा, जैसे ताड़पत्र है, कागज है, कपड़ा है, इस तरह को पढ़ा। लेकिन उसी में आगे चलकर विकसित रूप में भी पढ़ा कि राजस्थानी शैली को अपन ने पहले पढ़ा, राजस्थानी शैली में पढ़ा अपन ने कि लघु चित्रों के रूप में राजस्थानी शैली के चित्र बनाए गए थे और छोटे आकार के जो वसूली चित्रों पर बनाए गए थे। लेकिन उसमें अपन ने ये भी पढ़ा कि राजस्थान में जो राज्य किया वो राजपूत राजाओं ने किया, और राजपूत राजाओं ने जब शासन किया तो वो राजपूत राजा वैष्णव संप्रदाय थे, और वैष्णव संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण था, और भगवान श्री कृष्ण होने के कारण उन्होंने अपने शासन काल में अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की दृष्टि से अपने कलाकारों के द्वारा आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ही चित्रित करवाया, उनसे संबंधित ग्रंथों को ही चित्रित करवाया। इसी के साथ जब यहाँ राजपूत राजाओं पर मुगल शासकों ने आकर अधिकार जमा लिया तो वो उन मुगल शासकों ने अपने अनुसार चित्रांकन कार्य करवाया, जिसमें से भारतीयता का पुट कम होता दिखाई दिया या समाप्त हो गया और एक अलग तरीके के चित्र बने जिनमें सभी चित्र अधिक बनाए गए थे, स्त्री चित्रांकन की कमी आ गई थी, और भावाभिव्यक्ति के स्थान पर राजा महाराजाओं के या मंत्री महामंत्रियों के वचस्वशाली चित्र बनने लगे। उस शैली को अपन ने मुगल शैली के नाम से जाना गया, और मुगल शैली में जिस प्रकार शैली का विकास हुआ उसके आधार पर अंतिम जो शासक बना वो औरंगजेब बना। उस औरंगजेब मतलब एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था, और कट्टर व्यक्ति होने के कारण उसने इस्लाम धर्म में कला को निषेध घोषित कर दिया था, और निषेध घोषित करने पर जो हमारे जो कलाकार थे वो कलाकार कार्य कर रहे थे उन कलाकारों को कलात्मक कार्य करने को छोड़ने पर बाध्य कर दिया गया, और बाध्य करने पर वो कलाकार बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार होने के बाद वो रोजगार की तलाश में भटकते हुए दिल्ली को छोड़कर इधर उधर भटकते हुए पटना पहुंच गए, और पटना में जब वो पहुंचे तो पटना में उस समय पटना व्यापारिक और व्यावसायिक दृष्टि से प्रमुख केंद्र था, और केंद्र होने के कारण वहाँ अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एक ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यरत थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक अंग्रेज धनिक लोग थे, उन अंग्रेज धनिक लोगों ने उन दिल्ली कलम के जो कलाकार थे उन कलाकारों को आश्रय दे दिया, और आश्रय देने पर वहाँ एक नवीन कला शैली मतलब का जन्म हुआ। और वो नवीन कला शैली का जन्म किस आधार पर हुआ कि वो भारतीय कला को या मुगल शैली को या राजपूत शैली को जानने वाले कलाकार थे। कौन से कलाकार? जो उन ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के आश्रय में पहुँचे, क्योंकि वो दिल्ली कलम में किसकी कट्टरता के कारण बेरोजगार हो गए, किनकी मतलब कला में रुचि नहीं होने के कारण बेरोजगार हो गए, वहाँ के शासक अर्थात औरंगजेब के कारण, और वो क्या हो गए, बेरोजगार, और बेरोजगार होने के बाद रोजगार की तलाश में भटकते हुए वो कहाँ पहुँच गए, पटना में। तो वो पहले से ही कौन सी कला शैली को जानने वाले कलाकार हैं, वो पहले से ही राजस्थानी और मुगल शैली को जानने वाले कलाकार हैं। जब उन कलाकारों ने वहाँ उनके आश्रय प्राप्त किया तो आश्रय प्राप्त करने के बाद उन कलाकार जो कलाकार मुगल और राजपूत शैली को जानने वाले कलाकारों से उन अंग्रेज धनिक लोगों ने अपने कहे अनुसार भारतीय विषयों का चित्रांकन करवाया, और टेक्निक में पाश्चात्य और धरातलों में भी पाश्चात्य
धरातलों को देकर चित्रांकन कार्य करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कला या यूं कह सकते हैं मुगल, राजस्थानी या राजपूत शैली और यूरोपियन या कह सकते हैं अपन पाश्चात्य कला शैली दोनों का समन्वय हुआ, और समन्वय होने पर एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ, जिस नवीन वर्णशंकर कला शैली को कंपनी शैली के नाम से जाना गया। अब वो कंपनी शैली का जन्म मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब आश्रय में होने पर या उसके साथ साथ होने के कारण उसे कंपनी शैली कहा गया, और उसका प्रमुख केंद्र पटना होने के कारण उसे पटना शैली के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार कला क्या है कि कला परिवर्तन लेती है, और कला का जो निर्माता होता है वो स्थिति परिस्थितियों के अनुरूप ही चित्रांकन कार्य करता है। इस प्रकार इसमें एक कला परिवर्तन लेती है, और परिवर्तन लेने पर वहाँ पर पाश्चात्य व भारतीय कला शैली के मिश्रण से एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ, जिसमें पाश्चात्य कला शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इस प्रकार के चित्र बने, लेकिन अधिक प्रभाव आने के कारण भारतीयता उसमें से समाप्त होती दिखाई देती है, और अंतिम चरण पर जाकर जब भारतीयता समाप्त होती दिखाई देती है तो कुछ भारतीय कला मर्मज्ञों या कलाकारों का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। आकर्षित होने के बाद उन्होंने भारतीय कला को पुनर्जीवित करने का एक आंदोलन शुरू किया, और वो आंदोलन सबसे पहले बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में शुरू किया या बंगाल से शुरू किया, इसलिए इससे आगे आने वाली जो कला शैली है वो शैली बंगाल शैली कहलाएगी। अब इस कला शैली में क्या हुआ है, भारतीय कला शैली पर पाश्चात्य कला शैली का प्रभाव आ गया। इस कारण भारतीय व पाश्चात्य कला शैली के समन्वय से न तो वो भारतीय रही न पाश्चात्य, और एक वर्णशंकर कला शैली का जन्म हुआ जिसको कंपनी शैली के नाम से जाना गया है। इस प्रकार की कला शैली को थोड़ा सा जानकारी ले लेना जरूरी है, और उसके बाद अब अगले अध्याय का जैसे अपन बंगाल शैली का अध्ययन करेंगे वो इससे इजी पड़ जाएगा। और इस शैली को सबसे पहले अपनाने वाले भारतीय कलाकारों में एक कलाकार का नाम है राजा रवि वर्मा, वो राजा रवि वर्मा रहे थे। तो उसकी आपको जानकारी दी जा रही है कंपनी शैली, इस कंपनी शैली का उद्भव और विकास यानी मतलब किस प्रकार इसका जन्म हुआ था। मुगल शासन के पतन के बाद, कह सकते हैं अपन सरल भाषा में कि मुगल शासन के पतन के बाद हमारे कलाकार क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। मुगल शैली के और राजपूत शैली के कलाकार क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। या अंतिम मुगल शासक औरंगजेब की कट्टरता के कारण दिल्ली कलम के जो कलाकार हैं वो कलाकार बेरोजगार हो गए, जो रोजगार की तलाश में दिल्ली को छोड़कर मुर्शिदाबाद होते हुए पटना पहुंचे। कहाँ पहुंच गए, पटना। अब उस समय पटना व्यापारिक और व्यावसायिक दृष्टि से प्रमुख केंद्र था, कौन सा, उस समय पटना क्या था, व्यापारिक और व्यावसायिक दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र था, इसलिए पटना में पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित थी, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी स्थापित थी, अंग्रेज लोगों की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने दिल्ली कलम के बेरोजगार कलाकारों को आश्रय प्रदान कर दिया, ये अंग्रेज अधिकारियों की कंपनी थी, उस कंपनी ने हमारे दिल्ली कलम के जो बेरोजगार कलाकार थे जो औरंगजेब की कट्टरता के कारण भाग गए थे वो कलाकारों को आश्रय प्रदान कर दिया। आश्रय प्रदान करने पर उनसे अपने कहे अनुसार चित्रांकन कार्य करवाया, अर्थात उन्होंने विषय तो उनसे कह दिया कि विषय तो भारतीय रखोगे, उन्होंने कह दिया कि विषय तो तुम भारतीय रखोगे लेकिन चित्रांकन हम कहें जैसे करेंगे, अर्थात उन भारतीय विषयों पर अंग्रेजीता को थोप दिया, जिससे मुगल व राजपूत शैली को जानने वाले कलाकारों ने एक नवीन कला शैली को जन्म दिया, अर्थात पाश्चात्य कला शैली के प्रभाव से एक नवीन कला शैली को जन्म दिया। उस नवीन कला शैली में भारतीय व पाश्चात्य कला शैली का समन्वय हुआ, जिससे एक वर्णशंकर कला शैली को जन्म हुआ जिसे कंपनी शैली या पटना शैली के नाम से जाना गया था। इस तरह की वर्णशंकर कला शैली कैसे पैदा हुई, भारतीय व पाश्चात्य कला शैली के समन्वय से हुई थी। अब किसके सानिध्य में हो रहा है इसका विकास, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के सानिध्य में, और धनिक लोगों के सानिध्य में होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होने के कारण इसका नामकरण कंपनी शैली कर दिया। इसके नामकरण के विषय में भी लोगों के अलग अलग मत रहे, जैसे किसी ने इसे कंपनी शैली कह दिया और किसी ने इसे पटना शैली कह दिया और किसी ने इसे जॉन कंपनी शैली भी कहा और किसी ने इसे बाजारू शैली के नाम से भी पुकारा था, क्योंकि इसके चित्रों को बाजार में बेचा जाता था। इस शैली के नामकरण के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के आश्रय में फली फूली होने के कारण वे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विकसित होने के कारण इसे कंपनी शैली के नाम से पुकारा जाता है। इस शैली का विकास या जन्म पटना में होने के कारण इसे पटना शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली के चित्रों को तैयार होने के बाद जब इंग्लैंड में ले जाकर बेचा जाता था तो इन चित्रों को जॉन कंपनी स्टाइल
के चित्रों या शैली के चित्रों के नाम से बेचा गया था, इसलिए इसका तीसरा नाम भी रहा है जॉन कंपनी स्टाइल या जॉन कंपनी शैली। जॉन यानी संभाग और कंपनी यानी कंपनी संभाग के चित्रों के नाम से बेचा जाता था। इसके अलावा इसे बाजारू शैली भी कहा गया था क्योंकि इसके चित्रों को बाजार में दुकानों पर रखकर बेचा जाता था, इसलिए इसे बाजारू शैली के नाम से भी जाना गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मूलतः व्यापार की दृष्टि से भारत में प्रवेश किया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वह किस कारण से आई थी, व्यापार की दृष्टि से भारत में आई थी, किंतु धीरे धीरे सत्ता में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर पूरे देश पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पर पूरे पर अधिकार जमा लिया था। इसके पास अपने प्रशासनिक अधिकारी, चित्रकार, सैनिक और नौकर आदि सभी थे। ये सभी कंपनी के कर्मचारी कहे जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू कर दिया। अब इसी ने, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी ने हमारे भारतीय लोगों को भारतीयता से विमुख करने की दृष्टि से और अंग्रेजी शिक्षा में मतलब उनको शिक्षा देने की दृष्टि से यहाँ पर अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना कर दी, जिनमें सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने 1834 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। इस समय चित्रकला के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य हुआ। शिक्षा संस्थाओं में यूरोपीय कला पद्धति में शिक्षा दी जाने लगी। साथ ही फोटोग्राफी का भी इसी समय आगमन हो गया, जिसके कारण हमारी जो भारतीय कला है उस कला को और अधिक क्षति हुई। यूरोपीय शैली में मॉडल बिठाकर अभ्यास कराया जाने लगा, अर्थात हमारी भारतीय कला की पहचान है कि आंतरिक भावाभिव्यक्ति को महत्व देना, आंतरिक मतलब सौंदर्य को महत्व देना, और यहाँ पर मॉडल पद्धति में चित्रांकन कार्य करवाने लग गए, जिसके आधार पर हमारी भारतीयता समाप्त होती दिखाई देने लगी। किन में से? अंग्रेजी मतलब अपनी भारतीय चित्रों में से। मद्रास 1850, कोलकाता 1854, मुंबई 1857, लाहौर 1857 आदि स्थानों पर कला विद्यालय खोले गए और यूरोपियन शैली में हजारों की संख्या में ड्राइंग, जल रंग, तेल रंग, प्रिंट बनाए गए। उनके बनाने वालों में अंग्रेज चित्रकार, डॉक्टर, सैनिक अधिकारी, सर्वेक्षण अधिकारी, पर्यटक तथा उनसे प्रभावित देसी चित्रकार थे। अब इन चित्रकारों के अलावा ये चित्रकारों ने इस तरह की चित्र शैली को जन्म दे दिया और ये जन्म देने वाले ये कला संस्थाओं में कार्य करने वाले रहे। इनके बाद इस कला संस्था के या इस तरह की जो कला बने उन कलाओं के चित्र निम्न स्थानों पर बने। इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं कंपनी शैली के पटना, तंजौर, सतारा, गोलकुंडा, पूना, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, अवध, मद्रास आदि केंद्रों पर चित्रकर्म होता रहा। अन्य जगहों पर भी चित्र बनते रहे। आज यह चित्र कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम, आशुतोष कलेक्शन, नेशनल लाइब्रेरी, बिरला अकादमी ऑफ आर्ट, इंडियन म्यूजियम, दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड एवं नेशनल म्यूजियम आदि में संग्रहित हैं। इस प्रकार अपने यहाँ कंपनी शैली का आगमन हुआ और जिसमें भारतीय विषयों पर चित्रांकन कार्य करवाया गया और टेक्निक या धरातल पाश्चात्य रखे गए और इस प्रकार दोनों कला शैलियों का समन्वय हुआ और समन्वय होने पर एक वर्ण संकर कला शैली का जन्म हुआ जिसको कंपनी शैली के नाम से जाना गया। अब इसके बाद अपन कंपनी शैली के चित्रित विषय, कलाकार और इनको पढ़ेंगे। आज इतना ही, इसी के साथ धन्यवाद।